हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका अगर नन्ना मुन्ना बच्चा है तो आपके दिमाग में ये जरूर बात चल रही होगी कि मेरा बच्चा अपना सर कब साधना सीखेगा, सर कब उठाना सीखेगा। क्योंकि जब बच्चा दो तीन महीने का होता है तो उसकी जो गर्दन है वो हिलती रहती है, और यदि हम उसको सपोर्ट ना दें अपने हाथ से तो क्या होता है, बच्चे की गर्दन में झटका लग सकता है, कॉलर बोन में प्रॉब्लम आ सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हो सकती हैं। तो इसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो बच्चे का सर कब सधने लगेगा, कब उसकी गर्दन है वो स्टेबल हो जाएगी। अगर सही समय पर बच्चे की गर्दन स्टेबल नहीं होती है, वो अपनी गर्दन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो आगे चल के क्या होता है कि बच्चों को नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, उसके पीछे की जो बोन्स है वो वीक रह जाती है, उसकी जो पैरों की बोन्स हैं और जो उसकी बैक बोन है वो भी वीक रहती हैं, और जो पेट की मसल्स हैं वो भी वीक रह जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों का सही समय पर, सही मंथ पर जो कि होता है उसमें बच्चे की गर्दन सधती है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक्चुअल में परफेक्ट टाइम क्या है जिसमें कि बच्चा अपनी गर्दन स्टेबल करने लग जाता है, और उस टाइम पीरियड में यदि बच्चा स्टेबल नहीं कर पाता है तो आपको क्या करना है, डॉक्टर से आपको कब विज़िट करना है, ये भी बातें मैं आपको सारी वीडियो के एंड तक बता दूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले बच्चा हमारा जो छोटा बेबी है कब अपनी गर्दन को साध लेता है, तो 4 से 5 के महीने के बीच में बच्चा आराम से अपनी गर्दन को स्टेबल करना सीख जाता है, अपने आप ही वो अपनी गर्दन को साध लेता है, उठा लेता है और मूवमेंट भी करने लग जाता है। इन केस 4 या 5 के महीने में भी बच्चा गर्दन को स्टेबल नहीं कर पा रहा है, या फिर उसकी गर्दन कभी इस साइड रह जाती है या कभी इस साइड रह जाती है, या फिर बिल्कुल उसकी गर्दन नीचे की तरफ लटकी हुई है, 4-5 महीने हो रहे हैं और इसी तरीके से टाइम निकलता जा रहा है लेकिन आपकी बच्चे की गर्दन स्टेबल नहीं हो पा रही है, तो आप समझ लीजिए कि बच्चे को प्रॉब्लम है, वो अपनी नेक को स्टेबल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, देखिए उसके लिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर सही समय पर बच्चा अपनी गर्दन स्टेबल कर लेता है तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। एक तो यही होता, एक तो हमें इस बात का सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ, हमारा बच्चा अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो ठीक तरीके से हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ उससे क्या होता है कि यदि आप बच्चा अपने आप अपनी गर्दन को स्टेबल कर पा रहा है, साध पा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक तो बच्चे की जो पीछे की गर्दन की जो बोन है वो मजबूत होगी, वो पेट के बल लेटेगा या कैसे भी, तो उसकी जो पेट की मसल्स हैं वो भी मजबूत होंगी, उसकी जो जांग और पैर की हड्डियां हैं वो भी मजबूत होंगी। तो इस तरीके से यदि बच्चा पेट के बल, आप उसको लिटा के देखिएगा, और अगर आप लिटा के देखती हैं और बच्चा अपनी गर्दन को आराम से स्टेबल कर लेता है, नीचे ऊपर कर लेता है, इधर उधर कर लेता है, आप उसको बुलाएंगे या उसे प्यार करेंगे, उसको आवाज़ दे के खिलाएंगे, तो अगर वो आपकी आवाज़ के साथ मूव कर रहा है और अपनी गर्दन को आराम से हिला डुला रहा है, कहीं लटकी झटकी नहीं है, तो समझ लीजिए कि हाँ, आपका बच्चा सही विकास कर रहा है और उसकी ऑल ओवर बॉडी में भी अच्छे तरीके से जो शारीरिक विकास है वो भी उसका अच्छे से हो रहा है। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो कि 4-5 महीने होने के बावजूद भी वो अपनी गर्दन को नहीं साध पाते, और क्या होता है कि आप उसे उनको टमी टाइम देती हैं, पेट के बल लिटा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि बच्चा आप सपोर्ट के लिए कुछ भी बच्चे के आगे लगाती है तो वो उस पर ही उसका सर रखा रहता है, वो उसको ऊपर नहीं उठा पा रहा, आप उसे आवाज़ दे रहे हो, खिला रहे हो, लेकिन वो अपनी गर्दन को नहीं हिला पा रहा है, इधर उधर मूव नहीं कर पा रहा है, तो उसके जो गर्दन मूवमेंट में देरी चल रही है, वो ठीक तरीके से नहीं मूवमेंट कर पा रहा और उसको देर हो चुकी है। ऐसे में पेरेंट्स को क्या स्टेप लेना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए। ठीक है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें करनी है, और आप खुद से क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी आप बच्चे की मसाज करती हैं, मसाज करते समय आपको बच्चों की पीछे की जो गर्दन है वहाँ से लेकर पूरी जो बच्चे की टेल बोन है वहाँ तक अच्छे से एक्सरसाइज करिए, और बच्चे को टमी टाइम दीजिए, मीन्स आप उसको पेट के बल लिटा लीजिए, और सामने बच्चे के यहाँ पर नेक के पास कुछ सॉफ्ट सा तकिया लगा लीजिए जिससे कि उसका दम ना घुटे और किसी भी प्रकार की सफोकेशन बच्चे को ना हो, और प्रॉपर तरीके से आपको बच्चे को देखना है। ठीक है, तो आप बच्चे के यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे अच्छे से मसाज करेंगे,
दूसरा क्या करना है आपको कि 4 या 5 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो आप उसे उसे फर्श पर छोड़ दीजिए नीचे, और कोई गुदगुदा सा कोई हल्का फुल्का सा मतलब ऐसा हो जिससे कि बच्चे को लगे नहीं, चोट नहीं लगे, तो उससे आप बच्चे को उस पर छोड़ दीजिए, बिस्तर पे नीचे बिछा कर उस पर उसे छोड़ दीजिए। आप उसे बेड पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें डर लगता है कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, तो सबसे जो सेफ साइड होती है वो नीचे फर्श होता है, उस पर कपड़ा बिछा कर कोई चादर अच्छी सी, और वहाँ पर आप बच्चे को छोड़ दीजिए, जिससे कि वो अपनी गर्दन को बार बार उठाने की कोशिश करेगा तो उसके चोट भी नहीं लगेगी। और आसपास ऐसा रखें गुदगुदे कपड़े या थके या बच्चे के रखें जिससे उसको चोट ना लगे। इसके साथ और क्या कर सकते हैं आप, जब भी आप अपने बच्चे को ले रहे हैं तो पीछे से सपोर्ट जरूर रखें, और सपोर्ट जैसे आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े कुछ सेकंड के लिए आपको अपने बच्चे की गर्दन छोड़नी है, और आपको ये देखना है कि हाँ कितना टाइम लगता है वो अपनी गर्दन को साधे रहता है। आपको लग रहा है कि कहीं लटक झटक रही है, कहीं आ गया, उधर उधर हो रही है, तो उसको तुरंत सपोर्ट रखें, छोड़ देना बिल्कुल ऐसे ढीले नहीं छोड़ देना, बस आपको सपोर्ट में रखना है कि हाँ इधर उधर कहीं लटकती झटकती है तो आप उसे तुरंत हैंडल कर लें। तो थोड़ी थोड़ी देर भी अगर बच्चा अपनी गर्दन को सीधे रखेगा या आप बिना सपोर्ट के रखेगा तो उससे क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ने से एक टाइम एक ऐसा आ जाएगा कि बच्चे की गर्दन बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना इधर झटकेगा ना उधर, धीरे धीरे वो उसको कंट्रोल करना सीख जाएगा। तो ये कुछ 3 बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। एक कि आपको टमी टाइम देना है, बच्चे को पेट के बल लिटा के रखिए लेकिन आपको वहीं पर बैठना है, बच्चे के साथ ही बैठना है। दूसरा, आपको बच्चे की गर्दन से लेकर टेल बोन तक अच्छी तरीके से मसाज करनी है। और तीसरा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप बच्चे की गर्दन को थोड़ी थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए 1-2 सेकंड के लिए ढीला छोड़ कर देखें, फिर होल्ड कर लें, फिर छोड़ कर देखें, फिर होल्ड कर लें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को बिल्कुल बहुत देर तक उसकी गर्दन को नहीं छोड़नी। अगर बहुत देर तक आपने बच्चे की गर्दन छोड़ दी तो उसको झटका लग सकता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। यदि बच्चे की गर्दन बहुत ज़्यादा लटकती झटकती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप ये 2 ही कर लीजिए, मसाज वाला और बच्चे को टमी टाइम वाला, ठीक है? तो ये दोनों भी बच्चे को काफ़ी सपोर्ट करेंगे उसकी नेक को होल्ड करने में। और लास्ट में मैं आपसे यहाँ पर यही कहूँगी कि यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया है लेकिन बच्चा गर्दन को नहीं संभाल पा रहा, उसकी गर्दन कभी इधर झुकी रहती है कभी इधर झुकी रहती है, तो प्लीज़ आप किसी अच्छे डॉक्टर जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं से विजिट करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उन्हीं के साथ आप शेयर करें, ठीक है? तो आई होप माई पेरेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हाँ चैनल पर पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिए, 3 से 4 महीने में बच्चा आराम से अपनी गर्दन को सपोर्ट करने लग जाता है, इससे ज़्यादा टाइम अगर बच्चे को लग रहा है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, 5 महीने से भी ऊपर हो गया है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। तो माय डियर पेरेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।